हेलो वेलकम। बड़े अच्छे मूड से मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड नेचुरल रखने की कोशिश करूँगा। मम्मी ने मेरी वीडियो देखी तो बोला थोड़ी नेचुरल कम था। वीडियो इस टॉपिक पे है कि आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेट है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है और समझ नहीं आता राइट विंग लेफ्ट विंग ये सारी चीज़ें। मैं अपने आप को एक लिबरल मानता हूँ कि जो हमें घर में सिखाया जाता है कि आपको सबसे अच्छे से रहना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छे से बात करना है। तो जब हम टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि दोनों पक्ष अपनी कोई ना कोई बात रखते हैं, मीन्स जो चल रहा है वो और उसके अगेंस्ट भी। एंड देन वी रियलाइज़ कि दोनों अपनी जगह सही हैं बट एक जो इन पावर है उसे तो फेयर होना पड़ेगा, उसे तो वो काम करना पड़ेगा जो ठीक हो। अच्छा, ये जो सब चलता है जैसे आजकल JNU है, CAA प्रोटेस्ट है, कुछ भी है, इसके लिए कानून बने हुए हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और वो वायलेंट है तो उस पर फोर्स यूज़ की जाएगी, उसकी पिटाई होगी, उसको जितना फोर्स वो यूज़ कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है वो करेंगे। अब कुछ अगर लोग ये वायलेंट होते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा एक समुदाय वायलेंट है या सब कुछ गलत ही है या सब गलत ही कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और उसके NTV वीडियोज़ आते हैं जैसे JNU की वायलेंस के आ रहे हैं। अब ये भी पता चलता है कि ABBB भी है, NSUI भी और वो जो भी है लेफ्ट विंग वाले हैं, तो क्लियरिटी ये नहीं होती क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग समथिंग, कर सब रहे लेकिन एक ही तरफ का दिखाया जाता है, दूसरी तरफ का गायब हो जाता है। और पॉलिटिक्स इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों के दिमाग में पॉलिटिक्स आ गई है बट जो कोर मुद्दे हैं वो बिल्कुल गायब है कि आपकी एजुकेशन बेटर होनी चाहिए, आपके लिए जॉब्स होनी चाहिए, आपके फाइनेंसेस बेटर होने चाहिए, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। तो ये समझ नहीं आता कि हाउ पीपल आर जजिंग लीडर्स ऑन दीज थिंग्स रादर देन जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी ये है और हम जज कर रहे हैं इन चीज़ों पे, समझ रहे हैं आप। सो ये जो भी आपको दिखता है इससे इतने अफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो बहुत रेयर कोई लोग मिलेंगे जो दंगों में जो इन सब चीज़ों में है। बट हाँ, आइडियोलॉजी वाले बहुत लोग मिलेंगे बट वो काम नहीं कर रहे हैं, वो उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। आइडियोलॉजी प्रमोशन इज ओके बट उसको एग्रेसिव हो जाना, वायलेंट हो जाना, लड़ना, ये सब इट इज़ नॉट इन आर कल्चर। हमें सबको साथ रहने की आदत थी, आदत है और रहनी भी चाहिए, वरना आप बेकार हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री धर्म के आधार पर अच्छे से नहीं चल सकती। अगर उसने काम करना है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नहीं है जैसे कि वह तेल पे चल रहे हैं, तो आपको लिबरल भी रहना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को जो है फॉलो करवाना पड़ेगा और पुलिस का भी यूज़ होगा। तो उसको बैलेंस रखिए, फेयर रखिए और उनको एजेंसीज को अकाउंटेबल रखिए, वो ही बेस्ट सॉल्यूशन है। और ये सब फालतू की इधर उसने ये किया उधर उसने वो किया, अब अगर JNU में इतनी मेन यूनिवर्सिटी में अगर घुस के मारा जाता है, वायलेंस होती है, तो सिक्योरिटी क्या है? कल को दूसरा पक्ष भी तो आके मार सकता है आपके बच्चों को, आज जो आप समर्थन कर रहे हैं, तो है ही गलत कि वो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी। मतलब हम अगर किसी को अपोज करेंगे तो वो इतनी हार्शली आप पे रिएक्शन देगा कि आपको मारा जाएगा इतनी बुरी तरह कि आप जिंदगी भर के लिए विकलांग भी हो सकते हैं। और पुलिस भी पता नहीं कैसी इंक्वायरी करती है, कैसा है, एक जगह कह दिया कि भाई घुसे तो मना सवाल उठा दिए कि क्यों घुसे, दूसरी जगह नहीं घुसे तो सवाल उठा दिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर वहाँ वो कुछ कर रहे थे, उन्हें मारा घुसे, एक लिमिट तक जाना चाहिए था, वो उन्हें पता होगा क्योंकि कुछ समय पहले इनकी भी पिटाई हुई थी कोर्ट में, इनकी भी पिटाई हुई थी, उसके बाद तो इन्होंने कुछ नहीं किया था क्योंकि वो वकील थे या बच्चे थे तो पिटाई करी। अब यहाँ जब ये सब चल रहा था तो सिक्योरिटी नहीं थी कि उसने कुछ, बिल्कुल सिक्योरिटी थी तो होनी चाहिए। तो ये सारे वीडियोस आएंगे, आपको दोनों साइड दिखाई जाएंगी, आप केवल ये सोचिए कि दोनों साइड ही अगर गलत है तो गलत है और अगर सही है तो सही है। और अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है गांधीयन वे से चल के, इवन वो बैनर भी होल्ड करता है, आप केस कीजिए ना, आप कोर्ट है आपके पास, पुलिस है आपके पास, सब क्या मीडिया में चलता रहता है, चलना क्या चाहिए? बच्चों की जो डेथ हो रही है हॉस्पिटल्स में, कितना मेल न्यूट्रिशन है, कितना इकोनॉमी नीचे जा रहा है, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स होने चाहिए,
ठीक है, पाकिस्तान को टॉपिक नहीं होना चाहिए आपके पास, आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी होना चाहिए, बॉर्डर सिक्योर है ठीक है, एमिनिशन आ रहे हैं ठीक है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जवान ठीक है कि नहीं ठीक है, पुलिस वालों की कंडीशन क्या है, इस सब पे कोई बात नहीं करता है, सब इमोशनल बेस्ड आपको ड्राइव करा जाता है वोट बैंक के लिए, और आप ड्राइव होते हैं और होते रहेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको नहीं होना चाहिए, आपको वेस्ट की तरह देखना चाहिए जहाँ लोग इन चीज़ों से आगे बढ़ गए हैं। आपको मजे लेने हैं, और मैं स्पेशली इस वीडियो में फीमेल्स से भी कहना चाहूँगा कि आपको ये सोचना है कि आपके बच्चों को ऐसे समाज में आपने रखना है इतनी हेट के साथ कि वो बाहर निकले तो उनमें हेट रहे, उनके प्रति किसमें हेट रहे, हेट का एक वातावरण बना रहे। अभी धर्म के आधार पर बना रहे, फिर जाति के आधार पर बना रहे, फिर इकोनॉमी के आधार पर बना रहे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। डिवाइड इन द सोसाइटी इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द रूलिंग क्लास। तो किसी भी तरीके से अगर डिवाइड बनेगा वो नुकसान करेगा और रूलिंग क्लास की मदद लेगी। तो आपको रियल मुद्दे पकड़ने हैं, जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, उन्हें सपोर्ट कर दो तो उनका दलाल बता दिया जाता है, बीजेपी को अपोज कर दो तो कांग्रेस ही बता दिया जाता है, जबकि आपको नेशनलिस्ट बनना है और नेशनलिस्ट सोचना है। तो ये देखिए कि भाई वहाँ पे स्कूल अगर बेटर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बेटर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, कर्जा सरकार पे नहीं है तो कैसे नहीं है, क्या उनका फंक्शनिंग है। एक दूसरे से उस चीज़ पे तो कम्पीट कर नहीं रहे, फालतू के मुद्दों पे कम्पीट कर रहे हैं जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली इतनी बड़ी जनसंख्या उसके बारे में सोचे और विकास के बारे में सोचे, और सारे मुद्दे साइड में रख के हर दिन टीवी पे, टीवी तो मैंने देखना ही बंद कर दिया, इवन फेसबुक पे भी चल रहा, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे आ रहा, क्या है लाइफ में मजे करने के लिए है? पॉजिटिविटी, हैप्पी, यू नीड मनी, यू नीड बेटर कार, यू नीड बेटर हाउसेस, दैट इज व्हाट शुड बी देयर। तुमको ये सब बढ़िया चाहिए अपने बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, वो ज़्यादा बेटर है इन सारी चीज़ों से। अब ये अगर सोचोगे कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसका सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये चीज़ें ठीक होंगी, पैसा होगा, सबकी एजुकेशन होगी, सब कुछ, तो उसे उस चीज़ का जाने का डर होगा, और वो डर की वजह से वो गलत काम करेगा ही नहीं। जब उसे खोने का डर होगा, उसके हाथ में कुछ होगा। इसलिए प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को साइड में रख के अच्छी चीज़ें पोस्ट कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, और बेटर समाज बनाने के लिए कोशिश कीजिए अपने एंड पे, रादर देन स्प्रेडिंग हेट, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज है लोगों की। वरना किसी के अंदर टाइम नहीं है कि वो ये सब करता रहे, सोचता रहे, लेकिन माइंड में अगर डाल दिया जाएगा तो एक सूडो डर के कारण आप हर टाइम परेशान रहेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है, आपकी नेशनल फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपका नेशनलिज्म स्ट्रांग है, उसे स्ट्रांग रखिए, डिवाइड मत बनने दीजिए, बिकॉज डिवाइड अंग्रेजों ने भी किया था और उसका आज तक वो फायदा ले रहे हैं। तो मुझे ये बताना था इस वीडियो के माध्यम से आपको कि मेरे थॉट्स क्या है, कैसा मैं सोचता हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, राइटिस्ट हूँ, सेंटर हूँ, क्या हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है कि मैं एक लिबरल, काइंड हार्टेड, सोच वाला व्यक्ति हूँ जो कोशिश ये करता है कि बेटर चीज़ें हों या हम गांधीयन पॉलिसी को फॉलो कर सकें। फोर्स यूज़ करनी है बाहर कीजिए, अपने लोगों से नहीं। अगर कोई बात कह रहा है तो बिल्कुल सुनिए, क्योंकि कश्मीर भी एक ऐसा मुद्दा है कि आपने अगर पेपर पे उसे अपने से मिला लिया है, लेकिन उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना भी हमारी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट में कहा कि भाई इंटरनेट इतने दिन बंद नहीं रहना चाहिए, क्या है बात की जाए। तो एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो हर चीज़ को बताता रहेगा, हम एज ए सिविल सोसाइटी कैसे करें, सोचिएगा इन सारी चीज़ों पे। और आप जो कमेंट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, दे ऑल विल बी वेलकम। मुझे नहीं पता मैं सारों का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, कई कमेंट बहुत वैलिड होते हैं, आज होते हैं, बट यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट इज एग्जिस्टिंग क्रिएटिंग। और सोल्यूशन केवल एक ही नहीं होता है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वही सोल्यूशन है, सोल्यूशन हो सकता है अगर हम करना चाहेंगे तो। एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग आज के पॉलिटिशियन, आज का एरा 70 साल, 60 साल, 50 साल, 25, 30 साल पहले के भी, क्योंकि जब इंटरनेट एज ही नहीं थी, माध्यम ही नहीं था, फ़ोन यूज़ होते थे, क्या कंडीशंस थी, कितना पावरफुल वर्ल्ड था, कितने पावरफुल हम थे, हम पे क्या पैसा था, कंपेयर मत कीजिए, वो बहुत गलत कंपैरिजन है। या तो आप हिस्ट्री पढ़िए, उस समय के डायनामिक्स को समझिए, फिर आपको पता चलेगा जो बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज़ पढ़ी थी बहुत अच्छी, कि कश्मीर, नेहरू, गांधी, पटेल और सब पे, कि नेहरू वॉज द वन जिसने इंडिया में मिलाया, एंड पटेल वॉज नॉट इंटरेस्टेड,
बट वो उनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन पटेल को क्रिटिसाइज थोड़ी किया जा रहा उसके लिए। पटेल ने तो मना कर दिया था कि ये आप देना चाहे तो दे दीजिए, जो उनकी मीटिंग हुई थी शायद आई थिंक लॉर्ड माउंटबेटन से, ये डॉक्यूमेंटेड है। जिन जो 500 रियासत उन्होंने मिलाई, जिस ब्यूरोक्रेट की मदद से मिलाई, मैनन थे, उन्होंने लिख रखा है अपनी आत्मकथा में सब कुछ, लिख रखा है हमने कैसे किया क्या किया, उन्होंने बता रखा है। बट आपको तो ये चीज़ नहीं पता क्योंकि आप जाके पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। तो अगर आपके सामने कोई चीज़ आ भी रही है और आप एकदम से उग्र हो रहे हैं, तो जाइए उसके बारे में पढ़िए, देखिए कि उसमें कितना फैक्ट है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे तो समझ लीजिए कि आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप करते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप देश के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उन चीज़ों से हटना पड़ेगा। क्योंकि किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, किसी स्टेट में कोई, कभी सेंटर में जो पहली गवर्नमेंट रही उसने अच्छा किया होगा, अब जो रह रही है वो भी कुछ अच्छा कर रही होगी। दैट डजेंट मीन कि सारे बुरे हैं, और अगर बुरे हैं तो सारे बुरे, क्योंकि सब पे करप्शन चार्जेस है, सब पे क्रिमिनल केसेस है, सब बिल्कुल बराबर हैं। एक व्यक्ति है जो थोड़ा दिल्ली के सीएम के बारे में जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मुझे नहीं पता, जो है फेयर काफ़ी हद तक, लेकिन उसे भी नहीं छोड़ा जाता सोशल मीडिया पर क्योंकि उसने भी मिस्टेक्स की हैं। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें गुड हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, काफ़ी बातें कर ली है। नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, समझाएंगे, अगली बार फैक्ट्स बेस्ड बनाएंगे। सो बाय।